हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमनप्रीत सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक्नोस्टिक्स। गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ, आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप लोगों के प्यार की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आज इस चैनल को पूरा एक साल हो गया है। पिछले साल 12 अक्टूबर को मैंने यहाँ पे फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था और आज 11 अक्टूबर है और 50 प्लस वीडियोज़ हमारी यहाँ पर हो चुकी हैं। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। तकरीबन 19,000 सब्सक्राइबर इस चैनल पर हो चुके हैं और ये सब कुछ हुआ है आप लोगों के प्यार की वजह से। तो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी आप इसी तरीके से मेरा साथ देते रहेंगे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो गाइज़, आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के ऊपर है। आज हम एक होम सिक्योरिटी सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। एक ऐसा होम सिक्योरिटी सिस्टम जिसमें कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं होगी, बहुत कम कंपोनेंट्स होंगे, सिर्फ 2 या 3 कंपोनेंट्स हम यूज़ करेंगे, जिनके साथ हम एक कंप्लीट सिक्योरिटी सिस्टम बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सर्किट होगा, आप लोगों को देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। आज ये सिक्योरिटी सिस्टम बनाने के लिए जिस सेंसर मॉड्यूल का हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है ये PIR सेंसर मॉड्यूल। PIR मीन्स पैसिव इंफ्रारेड। ये मॉड्यूल है जो कि हमारी बॉडी की जो इंफ्रारेड रेज एमिट होती हैं उनको डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है PIR क्यूब, यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है और ये 6 मीटर डिस्टेंस तक काम करता है। 6 मीटर डिस्टेंस पे 108 डिग्री एंगल, इस एंगल के बीच में कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी एनिमल बीच में आएगा जिसकी बॉडी हीट है, जो कि नॉर्मली ह्यूमन बॉडी का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, उससे IR रेज एमिट होती हैं, तो उस रेडिएशन को ये सेंस करता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस और पर्टिकुलर एंगल के बीच में। अब ये सेंसर होता कैसा है, दिखने में ये इसका प्रैक्टिकल सेंसर है कि किस तरीके का दिख रहा है, और इसका जो डायग्राम है वो यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है। यहाँ पर ये कंप्लीट सेंसर जो होता है वो यहाँ पे एक रखा हुआ है, ये सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसी का फ़ोटो यहाँ पे लगा हुआ है। और इसका जो इंटरनल ये बैकग्राउंड का स्ट्रक्चर है, जो इसका पीछे की तरफ का हिस्सा है, वो यहाँ पे मैंने फ़ोटो में लेबल करके रखा हुआ है। इसमें कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जिनके बारे में पहले आपको मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम अपने सर्किट पर चलेंगे। तो सबसे पहले तो इस मॉड्यूल का एक स्पेसिफिक नंबर है, तो वो है HCSR501, जो इसका पिनआउट यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसमें यहाँ पे 2 पोटेंशियोमीटर्स लगाए हुए हैं जिसके ऊपर 105 लिखा हुआ है। इस तरफ से सीधे अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे 105 लिखा हुआ है, दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू है 1 मेगा ओम की है। यहाँ पे 1 मेगा ओम के पोटेंशियोमीटर्स यूज़ होते हैं। अभी 2 हैं तो ये कंट्रोल पोटेंशियोमीटर्स हैं। एक तो इसकी सेंसिटिविटी कंट्रोल करेगा कि कितना सेंसिटिव है, कितनी दूर से ये सेंस कर सकता है, और दूसरा टाइम डिले, यानी कि एक बार सेंसर ने अगर सेंस कर लिया तो कितनी देर के लिए वो सेंसर ऑन रहे, आउटपुट देता रहे, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। 3 सेकंड से लेके 300 सेकंड तक का, यानी कि 3 सेकंड से तकरीबन 5 मिनट तक का टाइम हम इसको ऑन रखवा सकते हैं। ये सेंसर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आपने ऑलरेडी देखा भी होगा, तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बता रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे 3 वोल्ट का एक रेगुलेटर इसमें लगा होता है। इस सेंसर का जो हम इनपुट वोल्टेज दे सकते हैं वो होती है 5 वोल्ट से लेकर अराउंड 20 वोल्ट तक, इसके बीच में हम दे सकते हैं। इसको इंटरनल फंक्शनिंग के लिए 3 वोल्ट चाहिए होती है, तो बीच में 3 वोल्ट का एक रेगुलेटर लगा हुआ है जो ऑटोमेटिकली उसको 3 वोल्ट में कन्वर्ट करके बाकी सर्किट को पहुँचाता है। पावर देने के लिए यहाँ पर 2 पिन हैं इसकी, ग्राउंड और VCC। यहाँ पे 12 वोल्ट लिखा है, जनरली सेफली हम 12 वोल्ट यूज़ करते हैं इसके लिए, 5 to 12 यूज़ करते हैं, बट मैक्सिमम अगर इसकी डाटा शीट के ऊपर जाएं तो हम इसको 20 वोल्ट तक दे सकते हैं, बट 20 वोल्ट देने पे इसका डैमेज होने का खतरा रहता है, तो सेफ चलाने के लिए 5 to 12 वोल्ट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। और सेंटर में एक पिन है जो कि आउटपुट के लिए यूज़ होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 पिन लगी हुई हैं, ये सेम 3 पिन हैं। यहाँ पर एक हमारी VCC है, एक आउटपुट है और एक ग्राउंड है। इसके अलावा यहाँ पे एक चिप लगी हुई है इसकी, जो इसका मेन प्रोसेसर है, अब कंट्रोलर है, वो आप इसको कह सकते हैं BS0001। ये सारी इसकी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है। अब जो ये ऊपर इसके वाइट कलर का कवर लगा हुआ, ये इसका लेंस है जो कि सेंस करने में हेल्प करता है। जो एक एंगल प्रॉपर बनता है वो इस लेंस की तरफ वजह से बनता है। अगर आप इस लेंस को हटाएंगे तो इसके अंदर एक्चुअल जो आपका सेंसर है, PIR सेंसर, वो ये है। यहाँ पे छोटा सा आप जो देख रहे हैं इस पे स्क्वेयर
ट्रांसपेरेंट आपको दिख रहा है, कटिंग दिख रही है, इसके अलावा मेटेलिक दिख रहा है, ये आपका PIR सेंसर है। इसके ऊपर ही हम लेंस लगा के रखते हैं हमेशा, जो इसका जो एंगल है 108 डिग्री का, कुछ लोग 120 डिग्री भी बोल देते हैं, उस एंगल को ये लेंस डिफाइन करता है। तो ये आपका PIR सेंसर हो गया। आज हम इसको यूज़ करके सिर्फ दो तीन कंपोनेंट्स और ऐड करके एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाएंगे। उसका पहले मैं आपको सर्किट दिखा देता हूँ, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने ये सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा सर्किट है। यहाँ पे ये PIR सेंसर लगाया मैंने, यहाँ पे शो किया हुआ है, ये ऊपर बाहर की तरफ इसका लेंस है जो मैंने अभी आपको बताया, ये तीन टर्मिनल्स हैं, ये ग्राउंड है, नीचे VCC है, और ये बीच में आउटपुट है। सेंसर हमारा हो गया। इसके अलावा हमने एक रेजिस्टेंस लगाया यहाँ पे, इसकी वैल्यू है 1K, ये 1K का रेजिस्टेंस है। और इसके अलावा यहाँ पे एक PN जंक्शन डायोड लगाया हुआ है, जिसका नंबर है 1N4007, जो कि सबसे कॉमन PN जंक्शन डायोड है, उसी को हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे एक बज़र लगा हुआ है जो कि हमें आउटपुट सिग्नल देगा, और एक पावर देने के लिए 9 वोल्ट की हम बैटरी यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो लास्ट कंपोनेंट हमारे पास है वो है एक NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर यहाँ पे है हमारे पास BC547। आप कोई भी NPN ट्रांजिस्टर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी फंक्शनिंग कैसे हो रही है, एक अगर आप देखें, इसका जो ग्राउंड टर्मिनल है हमने डायरेक्ट बैटरी के ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमने 9 वोल्ट की बैटरी के बाद एक प्रोटेक्शन डायोड लगाकर VCC से कनेक्ट किया हुआ है, इसको पावर मिल गई। अब जैसे ही इस लेंस की रेंज में, जो यहाँ पे आपको अभी रेंज मैंने दिखाई थी कि 6 मीटर के डिस्टेंस के अंदर और 108 डिग्री एंगल के बीच में अगर कोई हलचल होगी, क्यों ह्यूमन या फिर एनिमल कुछ हलचल करेगा, तो इसकी जो आउटपुट है वो एक्टिव हो जाएगी। आउटपुट एक्टिव होगी तो यहाँ पे बेस पे एक रेजिस्टेंस लगा के मैंने ट्रांजिस्टर के बेस को एक्टिव किया हुआ है। ट्रांजिस्टर का जो एमिटर है वो ग्राउंड किया हुआ है हमने, और जो कलेक्टर है उसको हमने जो बज़र के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है। ये बज़र का पॉजिटिव टर्मिनल हमने डायरेक्ट VCC के साथ कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ से जो जा रही है डायोड के बाद डायरेक्ट VCC के साथ कनेक्टेड है, और नेगेटिव है जो कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है। अब जब बेस के ऊपर सिग्नल आएगा तो कलेक्टर टू एमिटर करंट फ्लो होगा, तो यहाँ से जो पॉजिटिव आ रहा था यहाँ पे नेगेटिव मिला, और कलेक्टर टू एमिटर फ्लो होते हुए ये आपस में शॉर्ट हो गए, और इस बज़र को ग्राउंड पाथ मिल गया, तो ये बज़र बीप करने लग जाएगा। एक बार दोबारा से बता देता हूँ आप लोगों को मैं, इनिशियली ये बज़र ऑफ है जब यहाँ से कोई आउटपुट नहीं आ रही है, बिकॉज यहाँ पे कलेक्टर पे एक एंड कनेक्टेड है, दूसरा एंड इसका एमिटर पे कनेक्टेड है जो कि ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो इस पाथ को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से अगर VCC आएगी, यहाँ से पहुँच कर यहाँ तक पहुँच गई, बट ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, जब तक बेस पे सिग्नल नहीं है तो पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा, बज़र ऑफ है। जैसे ही बेस के ऊपर यहाँ से सिग्नल आया, कलेक्टर टू एमिटर करंट फ्लो होने लग गया, पाथ कंप्लीट हो गया और बज़र बीप करने लग गया। जैसे ही यहाँ पे सामने कोई आएगा, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन होगी वहाँ पे, कोई भी एनिमल होगा, कुछ भी होगा, आप घर में ये सेंसर लगा सकते हैं, जैसे ही आपके घर में कोई एंटर हुआ तो ये सेंस करके अलार्म बजा देगा। तो चलिए इस सर्किट को पहले हम एक बार ब्रेडबोर्ड के ऊपर बना लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो किस ब्रेडबोर्ड पे सबसे पहले तो मैं अपना ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा BC547, इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको मैं इस तरीके से कनेक्ट कर रहा हूँ कि जो इसका एमीटर है, ये इसका फर्स्ट वाली पिन, ये एमीटर है, ये ऊपर की तरफ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया मैंने, और बाकी बेस और जो इसका कलेक्टर था वो नीचे वाले सेक्शन में ब्रेडबोर्ड के कनेक्ट कर दिया मैंने। ये कनेक्ट हो गया है। अभी हमें लगाना है ये हमारा PIR सेंसर, इसको हम डायरेक्टली ब्रेडबोर्ड पे तो लगा नहीं सकते, तो मैंने एक मेल और फीमेल PCB हेडर को आपस में सोल्डर करके ऐसा L शेप का एक कनेक्टर बना के रखा है, जिसके आगे मैं इस सेंसर को इस तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ, और ये वाला पोर्शन है जो नीचे ब्रेडबोर्ड में लग जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, जो इसका ग्राउंड वाला पोर्शन था वो डायरेक्टली एमिटर की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ गया, तो वो डायरेक्टली उससे कनेक्ट हो गया है। इसको मैंने ट्रांजिस्टर को इसीलिए ऐसे लगाया था ताकि ये डायरेक्टली कनेक्ट हो सके। तो ये कनेक्ट हो गया है। अभी हमें इसके बेस के ऊपर एक रेजिस्टेंस लगाना है 1K का। तो ये 1K का रेजिस्टेंस है मेरे पास, इसको बेस से लेकर हम इसके जो सेंटर वाली पिन है आउटपुट वाली, उसके ऊपर लगा देते हैं। ये हमने लगा दिया।
जैसे कि सर्किट में बताया गया है, मीटर को हमने डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड वाले टर्मिनल के साथ, बेस के साथ एक रेजिस्टेंस लगाकर हमने आउटपुट वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दी। अब VCC वाले टर्मिनल पे हमें एक PN जंक्शन डायोड लगाना है, वो हमारा ये रहा, तो इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये डायोड भी हमारा लग गया है। अब हमें बज़र कनेक्ट करना है, हमारा लास्ट जो इसका कंपोनेंट है, क्योंकि कंपोनेंट इसमें सिर्फ तीन यही यूज़ होने थे, एक जो हमारा बज़र यूज़ होना है वो ये रहा हमारा, यहाँ पे ये वाला बज़र मैं यूज़ करूँगा, पीजो इलेक्ट्रिक बज़र है। इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ब्रेडबोर्ड पे मैंने कनेक्ट कर दिया। अब जम्पर वायर की हेल्प से इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो ये जम्पर वायर्स है मेरे पास, इसका जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है कि मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कहाँ पे इसके नीचे लेग्स कनेक्टेड है, आपको थोड़ा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं 7th नंबर वाली कॉलम में कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये 7th के सामने से मैं यहाँ पे वायर लगाकर इसको जहाँ पे हमारे PIR सेंसर का VCC वाला टर्मिनल है वहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और इसका जो दूसरा पोर्शन है बज़र का, ग्राउंड वाला, वो इस पॉइंट से हमने पिक किया और कलेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया ट्रांजिस्टर के। ये हमारे कनेक्शन इसके पूरे हो गए हैं। अभी हमें पावर देने के लिए ये बैटरी टर्मिनल चाहिए एक, जिससे हम इसको कनेक्ट कर सकें। जो पॉजिटिव पोर्शन हमें इस डायोड के साथ कनेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और जो ग्राउंड है वो एमीटर के साथ कनेक्ट होना है ट्रांजिस्टर के और इसके ग्राउंड के साथ, तो ये कॉमन लाइन पे ही है, तो इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तो हमारा सर्किट पूरा हो चुका है, तो अभी हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। टेस्ट करेंगे उसके बाद आपको मैं सर्किट PCB पे बना के दिखाऊंगा, क्योंकि ब्रेडबोर्ड पे काफ़ी बड़ा आपको शो हो रहा है, PCB पे बिल्कुल छोटा सा सर्किट बन जाएगा। एक्चुअली मैंने बना के रखा हुआ है, वही आपको मैं दिखा दूंगा, उससे पहले ये हम टेस्टिंग करेंगे इसकी। इस टेस्टिंग के लिए यहाँ पे मैंने ये 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दिया, बाकी सारा सर्किट सेम है आप देख सकते हैं। और जैसे ही अब मैं अपना हाथ इसके जो इफेक्टिव एंगल है उसमें लेके जाऊंगा, तो ये बज़र आपका बीप करने लगेगा। देखते हैं, मेरा हाथ अभी यहाँ तक ही पहुँचा है, इसके एंगल में आया और ये बीप करने लग गया। अगर दोबारा लेके जाता हूँ तो दोबारा ये बीप कर रहा है। अब ये एक और चीज़ हम ट्राई करते हैं, यहाँ पे जाकर मैंने अपना हाथ स्टेबल कर दिया तो ये बंद हो गया, और अगर यहाँ पे मूवमेंट करता रहूँगा मैं तो ये बार बार कंटिन्यूसली बीप करता रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी बीप बंद ही ना हो, कंटिन्यूसली बीप करता रहे जब तक ये मूवमेंट हो रही है, तो उसका भी एक सॉल्यूशन होता है। उसके लिए अगर आप इस मॉड्यूल को देखें, तो यहाँ पे एक ये हमारे पास कैप लगा हुआ है जो कि 2 पिन्स को शॉर्ट कर रहा है। अगर इसको हम यहाँ से निकाल दें, तो जब तक इसके सामने मूवमेंट होती रहेगी ये कंटिन्यूसली बीप करता रहेगा। तो ये भी हम ट्राई कर लेते हैं। तो इस एक बार मैं यहाँ से सेंसर को निकालता हूँ, ये मैंने सेंसर यहाँ से निकाल लिया, और ये जो इसका कैप है इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, ये मैंने यहाँ से कैप निकाल दिया। अब दोबारा से हम सेंसर लगा देते हैं। अभी के लिए फिलहाल जो हमने इसका टाइम सेट किया था वो 3 सेकंड का किया हुआ है मैंने, जो मिनिमम टाइम है, तो वो इसलिए बंद हो रहा था। अब मैं अपना हाथ आगे लेकर जाऊंगा और कंटिन्यूसली मूवमेंट करता रहूंगा। यहाँ पे आप देखिए अभी कंटिन्यूस जो मूवमेंट कर रहा हूँ, तो 3 सेकंड हो चुके हैं बट ये सेंसर बंद नहीं हुआ, कंटिन्यूसली ये बीप दे रहा है। और अगर मैं अपना मूवमेंट करना बंद कर दूं, मूवमेंट के 3 सेकंड के बाद ये ऑफ हो गया, जैसे ही मूवमेंट शुरू हुई दोबारा से ये बीप करने लग गया है। तो इस तरीके से मल्टीपल मोड्स में आप इस सेंसर को यूज़ कर सकते हैं। इसका टाइम आप एडजस्ट कर सकते हैं 3 सेकंड से लेके 5 मिनट्स तक, या फिर इनफाइनाइट टाइम कंटिन्यूसली अगर ऑन रखना चाहें कि जब तक मूवमेंट हो रही है ये कंटिन्यूसली आपको सायरन देता ही रहे, और जैसे स्टेबल हो जाएगा सायरन बंद हो जाएगा। और ये सर्किट अभी हमने ब्रेडबोर्ड पे बनाया था, अगर इसी सर्किट को हम PCB के ऊपर बनाएं तो बहुत छोटा सा सर्किट ये बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक बना के रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डायोड, एक रेजिस्टर और एक ट्रांजिस्टर, और 4th है हमारा बजर। सिर्फ ये 4 कंपोनेंट्स हैं, तो
पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ, मोमेंट देख के ये बार बार ऑन हो रहा है, बैटरी मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। तो ये चार कंपोनेंट्स के साथ ये सर्किट पूरा तैयार है। यहाँ पे मैंने एक पीसीबी हेडर लगाया हुआ है जिसपे पीआईए सेंसर इजीली माउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे माउंट कर सकते हैं और ये पीआईए सेंसर पूरे सर्किट को कवर कर लेता है, बिल्कुल इसके नीचे बेस के साथ ही लग गया है ये, और पूरा एक कंप्लीट मॉड्यूल हमें लगता है। इसको बैटरी से हम कनेक्ट करेंगे तो सेम फंक्शनिंग जो यहाँ पे ब्रेडबोर्ड के साथ दे रहा था वही फंक्शन ये हमें इस पीसीबी के साथ भी देगा। अब किसी भी तरीके से बना सकते हैं, इस प्रोजेक्ट के ऊपर बनाना चाहें, ब्रेडबोर्ड के ऊपर भी बना सकते हैं, पीसीबी के ऊपर भी बना सकते हैं। अगर पीसीबी के ऊपर आपको सोल्डरिंग करना नहीं आता है तो उसके लिए मेरे चैनल पर वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वीडियो सेक्शंस में आप देख सकते हैं और उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, इससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।